2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल द्वारा अंबाला शहर को अव्वल नंबर पर लाने के लिए जहां मुहिम चलाई हुई है, वहीं शहर की कपड़ा मार्केट में फैली गंदगी विधायक के प्रयासों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आज विधायक के प्रतिनिधि रितेश गोयल द्वारा कपड़ा मार्केट में फैली गंदगी को लेकर सफाई कर्मचारियों को सख्त लहजे में 2 दिन का समय दिया गया है। विधायक असीम गोयल के प्रतिनिधि ने सफाई कर्मचारियों पर भड़कते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर वो कपड़ा मार्केट में फैली सारी गंदगी को साफ कर लें, नहीं तो वह खुद आकर साफ सफाई करेंगे ताकि उन्हें शर्म आ सके। मीडिया से बातचीत करते हुए रितेश गोयल ने कहा कि विधायक असीम गोयल ने जनवरी से मेरा अंबाला द बेस्ट मुहिम चलाई हुई है। उन्होंने कहा कि सभी अंबालावासी अंबाला को अपना अंबाला समझें। जैसे लोग अपने घर की साफ सफाई के बारे में सोचते हैं, वैसे ही अंबाला की सफाई के बारे में भी सोचें। उन्होंने कहा कि सभी काम सरकार नहीं कर सकती, जन सहभागिता के साथ लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो वह सरकार को बताएं। और दूसरे गंदगी के बारे में अभी बात रखी कपड़ा मार्केट वालों ने, वो मैंने आज हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर सुशील जी और सुनील दर जी हैं यहाँ पर, उनसे मैंने कहा है कि सस्पेंशन और बदली ये समस्या का हल नहीं है। और अभी सर्वेक्षण के अंदर हमने दोबारा देखो, इंडिया के किसी टाइम में 1965 के अंदर इंडिया का जो सबसे गंदा शहर जो अंबाला शहर था, लेकिन विधायक जी के प्रयासों से जब 2015-2014 में हमारी सरकार बनी, 2015 में विधायक जी सबसे पहले विधायक बनने के तुरंत 3 दिन के बाद ही इंदौर चले गए थे, और इंदौर से वो सारा समझ के आए जो कॉन्सेप्ट था। और उस समय शक्ति सिंह जी हमारे कमिश्नर थे नगर निगम के, और मनदीप बराड़ जी डीसी थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने डोर टू डोर की प्रथा उस समय 2015 में स्टार्ट की। पूरे हरियाणा का पहला प्रोग्राम अंबाला में डोर टू डोर का विधायक जी के प्रयासों से अंबाला से स्टार्ट हुआ, और जिसका प्रयास आज तक दिख रहा है कि आज हमारा शहर जो है पहले 90 स्थानों में और हरियाणा में पहले 3रे स्थान पर आया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अब जनवरी में फिर दोबारा हमारा सर्वेक्षण अभियान शुरू हो रहा है, तो उसके नाते हम पूरे शहर में अभी विधायक जी ने एक मुहिम चलाई है, मेरा अंबाला द बेस्ट, यानी कि आदमी को ये लगे कि ये अंबाला जो है वो अंबाला नहीं है, वो मेरा अंबाला है, मेरा घर है। जैसे मैं अपने घर के लिए सोचता हूँ, मैं अपने घर की साफ़ सफाई के लिए सोचता हूँ, ऐसे मैंने अंबाला के लिए भी सोचना है। देखिए, सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सब सुविधाएं सरकार नहीं दे सकती, जन सहभागिता के साथ लोगों को भी अपने आप आगे आना पड़ेगा। और जहां पे उनको दिक्कतें लगती हैं, कुछ सरकार करेगी, हमें भी बताएं, कुछ वो अपने दम पे भी करें। जब सारी संस्थाएं और जन लोग मिलकर आपस में काम करेंगे तो अंबाला को साफ करने से और सुंदर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस कड़ी में आज इनको हमने निर्देश दे दिया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी बदली और सस्पेंशन की बजाय हम अपनी कसी और जो है वो तसला लेकर हम खुद अपने आप यहाँ पर आकर आपकी बार प्रधान जी के साथ मिलके मैं खुद आऊँगा यहाँ पर और सफाई स्टार्ट करेंगे, और ताकि इनको शर्म आए कि काम कैसे होता है।